मैंने 20 आदमी भेजे थे, सबको कूट डाला उसने। बैटरी के अंदाज से बता सकता हूँ कि उसने कितने खून किए हैं। हेलो दोस्तों, फिल्मी बातें विद सनी में आपका स्वागत है। फिल्में से जुड़ी अपडेट पाने के लिए फिल्मी बातें विद सनी को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। तो गाइस, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की पिछले 1.5 सालों में उनकी 6-7 फिल्में आ चुकी हैं, जिसमें OMG 2 को छोड़कर बाकी कोई फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पाई है। तो वही उनकी हाल ही में रिलीज हुई मिशन रानीगंज को रिव्यूज तो ठीक ठाक मिले, पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। मगर इसके बावजूद अक्षय कुमार के काम करने के तरीके पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। वो अब भी लगातार फिल्में साइन कर रहे हैं। इस कड़ी में अब उनकी एक और फिल्म का नाम सामने आ रहा है, जिसमें फिल्म का नाम साइको बताया जा रहा है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर मोहित सूरी बना रहे हैं, जबकि इसका प्रोडक्शन रोहित शेट्टी के द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि साइको एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो रोहित शेट्टी को पसंद है, और वह यह चाहते हैं कि यह उनकी बैनर की पहली फिल्म हो जो उनके द्वारा निर्देशित न हो। हालांकि साइको तमिल फिल्म रफ्तान की हिंदी रीमेक होने वाली है, जिसे बेहतरीन साइको थ्रिलर फिल्म होने का तमगा मिला हुआ है। इस मूवी में अक्षय कुमार ऐसी भूमिका निभाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। खबरें हैं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार साइको की भूमिका में नजर आएंगे। तो वहीं इस फिल्म में उनका साथ रकुल प्रीत सिंह देती नजर आएंगी। खबरों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग 2024 के स्टार्ट टू फिनिश तक 40 दिन के मैराथन शेड्यूल में शूट किया जाएगा। तो वहीं इस मूवी के अनाउंसमेंट से अक्षय के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वेल, इस मूवी को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताएं। फिल्मों से जुड़ी इसी तरह का अपडेट पाने के लिए फिल्मी बातें विद सनी को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखें।